नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश की आर्थिक राजधानी में इन दिनों हर दिन एक नया अपराध सामने आ रहा है। कहीं स्पा पार्लर की आड़ में चल रहा देह व्यापार तो कहीं ड्रग्स तस्करों का बड़ा गिरोह शहर में नशे का कारोबार कर रहा है। हालांकि इंदौर पुलिस हर अपराध पर नजर गड़ाए हुए बैठी है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा ही एक मामले में इंदौर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये तीनों महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद अपना नाम बदलकर ऐसे नौजवानों को झांसे में लेती हैं जिनकी कहीं शादी नहीं हो रही हो या कोई खामी हो, जो सामाजिक रीति रिवाज के साथ में सुखमय जीवन जीने के लिए एक सुशील युवती की तलाश कर रहा हो। ये महिलाएं अपने एजेंट के माध्यम से उससे पहले दोस्ती करती हैं और उसके बाद उससे अपने झांसे में लेकर लड़की दिखाकर पैसे की मांग करती हैं। जब सौदा पट जाता है तो ये महिलाएं उस युवती की कभी बहन बन जाती हैं तो कभी माँ और दुल्हन की कोर्ट मैरिज करवा कर उसे युवक के साथ भेज देती हैं। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस नॉर्थ थोड़ा में रहने वाली फरियादी रवि सिंह ने शिकायत की है, तब पुलिस को इस बात की भनक लगी कि इस तरह का मामला भी संचालित हो रहा है जिसमें एक गिरोह काम कर रहा है। जब पुलिस ने विवेचना शुरू की तो एक के बाद एक महिलाओं के नाम सामने आने लगे जिसमें 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पुलिस ने पूरी कहानी समझी तो ये सामने आया है कि सबसे पहले रवि नामक फरियादी ने अपने दोस्त जो देवास में रहने वाला है उससे बात की और उससे शादी करने के लिए किसी अच्छी युवती की तलाश करने के लिए कहा। देवास निवासी विनोद ने मंजू नामक महिला से संपर्क किया और उसके आधार पर वो पूजा से मिला। पूजा और मंजू ने मिलकर रेशमा नामक महिला से रवि सिंह को मिलाया। रवि ने रेशमा से शादी की लेकिन दूसरे ही दिन वो अपने भाई को घर बुलाकर कहीं चली गई, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। शादी करने के एवज में तीनों महिलाओं द्वारा 90,000 रुपए की डील हुई है जिसमें रवि द्वारा 75,000 रुपए महिला को दे दिए गए हैं लेकिन वापस नहीं लौटी तो पुलिस की शरण ली। ये पूरी घटना की तीनों ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने के बाद महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि जिस रेशमा नामक महिला से फरियादी रवि की शादी की गई थी वो असल में राधिका उर्फ वर्षा थी। वर्षा ने नाम बदल कर रवि के साथ कोर्ट मैरिज की और एक रात बाद दूसरे दिन अपने भाई को बुलाकर रफू चक्कर हो गई। वही महिलाएं अगले शिकार की तलाश में घूम रही थी। थाना कोतवाली में नारथोड़ा के निवासी रवि सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ एक महिला जिसने अपना नाम रेशमा बताया था उससे दिनांक 24/12 को शादी करी और 26 को वो घर से चली गई। उसके साथ ऐसा उसे पैसा पता चला कि उसके उसने 75,000 रुपये दिया था और शादी का झांसा दे के जो दुल्हन है वो लुटेरी बनके उसका पैसा ले गई और उसको पता नहीं चला। उसकी रिपोर्ट पर धारा 420-34 का प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र में कायम किया गया। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि जो प्रार्थी है रवि उसका एक दोस्त था जो देवास का रहने वाला था विनोद, उसने उससे शादी की बात कर की। विनोद देवास का रहने वाला इसका परिचित था। रवि वर्तमान में कोई काम नहीं करता है, इसको इसकी शादी भी नहीं रही हो इसलिए बात करी। इसकी जो विनोद है देवास वाला, इसकी एक परिचित महिला थी मंजू जो दिग्विजय मल्टी में रहती है, उससे उसने बात करी। मंजू की एक परिचित पूजा थी जो पूजा थाना द्वारकापुरी क्षेत्र के श्रीराम नगर की निवासी है, उसने उससे बात की और इन मंजू और पूजा दोनों रवि से मिली और उसको बताया गया कि एक लड़की है जिसका इन्होंने 90,000 रुपये मांगा और 75,000 में इनकी बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक रेशमा नाम की लड़की दिखाई, वो रेशमा के नाम से ही जानता था, रेशमा पटेल के नाम से। शादी होने के बाद जब पता चला कि वो लड़की चली गई, उसके बाद जाँच के दौरान उसका नाम राधिका उर्फ वर्षा राव ये गड़बड़ी पुलिया के पास की रहने वाली पाई गई, उसकी उम्र 20 वर्ष है। इस प्रकार इस गिरोह में राधिका दुल्हन बनी थी रेशमा के नाम से, दूसरी महिला मंजू उसकी बहन बनी थी और पूजा इसकी माँ बनी थी। इन ये बन के देवास गए थे और देवास में इनके द्वारा दिनांक 26 को कोर्ट में शादी करी। उसके बाद जब वो वापस चली गई तो वो रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इन लोगों को हमारे द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। सर, इसमें क्या विनोद भी जो है आरोपी बनाया गया? नहीं, अभी जांच में चूंकि प्रार्थना था कि वो उसका परिचित है तो अभी उसको आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन जो
अन्य आरोपी हैं, इसके आधार पे तो ये पता चल रहा है कि इसका भी रोल कहीं ना कहीं है। अगर जांच में पाया जाएगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। अभी तो इन्होंने केवल एक ही बता रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से इन्होंने अन्य घटनाएं भी की होगी। अभी पूछताछ की जा रही, पूछताछ में खुलासा होगा तो उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। इसमें जो दुल्हन बनी है वो झाड़ू पोछा का काम करती है, जो बहन बनी है मंजू वो बर्तन मांजने का काम करती है, और जो पूजा है ये भी झाड़ू पोछा का ही काम करती है। सर, इनके पति या परिवार की बात करें तो कुछ है, शादीशुदा है ये पहले से? हाँ, ये राधिका तो कुंवारी है, लेकिन पूजा और मंजू दोनों शादीशुदा है, और मंजू का पति वीरेंद्र चौधरी और पूजा का पति सोनू मराठा, ये दोनों इनके बताए अनुसार NDPS में बंद हुए हैं और जेल में हैं। अभी तो इन्होंने यही हमें बताया है पूछताछ में कि चूंकि हमारे दोनों के पति बंद थे और वकील साहब द्वारा जो फीस मांगी गई थी उसके लिए हमारे द्वारा ये किया गया, लेकिन ये कृत्य इतना आसान नहीं होता। इनके द्वारा पूर्व में भी चूँकि कम मेहनत कम इसमें ये पैसा ले लेते हैं और धोखा दे देते हैं, इस आधार पे लगता है कि इनके द्वारा पूर्व में भी ये घटनाएं की गई होगी। सर, क्या इसी प्रकार के युवक होते थे ये, इस तरह से इनकी शादी नहीं हो रही है? ये तो अभी जांच में तो यही आया है कि कोई ना कोई इनका एजेंट रहता था और जिसकी शादी नहीं होती थी वो उनको सूचना दे देता, उस आधार पर ये करते थे। अभी तो एक ही बताया इन्होंने, लेकिन जाँच में अन्य लोग भी हो सकता है, अन्य गिरोह भी हो सकता है और अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं। नहीं, अभी तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है, जो कि तीनों गिरफ्तार हुई है इसमें नहीं बताया। इसमें हमारा राधिका के द्वारा बताया गया है कि उसे 10,000 केवल मिले थे, अन्य पैसे इन्होंने रख लिए थे। अब इसमें मनोज का भी नाम आ रहा तो उससे पूछताछ के बाद फिर ये क्लियर हो पाएगा कि पैसा कितना कितना किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और